सीडीएस जनरल विपिन रावत की शहादत के करीब 9 महीने बाद देश के दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे। बुधवार को सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। जनरल विपिन रावत के जाने के बाद अब इस पद पर बैठने वाले वो दूसरे व्यक्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान? आखिर क्यों सरकार ने इन्हें दिया सीडीएस का पदभार? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड पौड़ी के रहने वाले हैं। 18 मई 1961 को उनका जन्म हुआ था। साल 1981 में उन्होंने भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। सेना में 40 साल के सेवाकाल के दौरान जब वो मेजर जनरल के रैंक पर थे तब उन्होंने नॉर्दर्न कमान के बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन को संभाला था। बाद में जब वो लेफ्टिनेंट जनरल बने तो पूर्वोत्तर में एक कॉर्प को लीड किया। इसके बाद वो ईस्टर्न कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ रहे। सितंबर 2019 में ये पद अपनाने के बाद जब वो पिछले साल मई 2021 में रिटायर हुए तो इसी पद पर बने रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को उनके आतंकवाद के सफाई के लिए किए गए काम के लिए भी जाना जाता है। जब वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे तो सेना के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस को प्लान करने में उनकी अहम भूमिका रही। इसका अच्छा खासा अनुभव लेकर वो पूर्वोत्तर के इलाके में जब पहुंचे तो वहां भी उन्होंने उग्रवाद के सफाई में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान सेना में उनकी अलग अलग कमान स्टाफ इत्यादि जगहों पर हुई नियुक्ति में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत बनाया। इसके अलावा उन्होंने अंगोला के यूनाइटेड नेशंस मिशन में अपनी सेवाएं दी हैं। 31 मई 2021 को अपने रिटायरमेंट के बाद भी जब वो देश की सुरक्षा और रणनीति को तय करने का काम करते रहते हैं। उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को प्रभार को भी संभाला है। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवाएं के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। मालूम हो कि देश के पहले सीडीएस विपिन रावत भी उत्तराखंड पौड़ी जिले के ही रहने वाले थे और अब दूसरे सीडीएस भी। यूं ही नहीं, उत्तराखंड को वीरों की धरती कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बनने पर उनके मूल गांव में खुशी की लहर है। गाँव वासियों का कहना है कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। शिवालिक जनरल की ओर से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश के दूसरे सीडीएस बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से राष्ट्र की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।